सो भाई लोग, आज का ये वीडियो काफी स्पेशल है, प्लीज एंड तक देखना। आज अपन वो बात रखेंगे जो एक्चुअली बहुतों के मन में चल रही है। सो वीडियो शुरू करने के पहले प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपका दिल से दिया गया सपोर्ट हमें 1 मिलियन के करीब ला रहा है, तो प्लीज कर दीजिए। टाइम लग रहा है लेकिन यार आप लोग कर दोगे सब्सक्राइब तो अपन जल्दी पहुंचेंगे। सो पुष्पा 2 के रिलेटेड बात रखने से पहले मैं आप लोग से इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने सुकुमार की फिल्में देखी है तो आपको समझ गया रहेगा कि वो कितना हार्डकोर मासी फिल्म बनाते। मैं बोल रहा हूं ना, जब मैंने सुकुमार की फिल्म रंगस्थलम देखी थी ना, मैं वहां पर समझ गया कि सुकुमार का लेवल इतना हाई है कि बाप रे बाप। उसके बाद जब मैं पुष्पा देखा तो मेरे को एवरेज लग गई। एंड आपके साथ भी ऐसे ही होगा जब आप रंगस्थलम देख लोगे। अरे आप लोग सोचो ना, कौन सा डायरेक्टर अपने फिल्म के मेन लीड हीरो को कान से बहरा दिखाता है एंड पूरी फिल्म में वैसे ही चलते रहता है। एंड दूसरी तरफ उसी फिल्म में रामचरण का परफॉर्मेंस आप देख लो, मां कसम उस बंदे ने नेपोटिज्म का नाम तो वहीं पर खत्म कर दिया। आप लोग जाकर प्राइम पे देखना है फिल्म। एनीवेज, जब पुष्पा 2 का ट्रेलर आता है संडे को तो बहुत लोगों को ट्रेलर अच्छा भी लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ भी बहुत लोगों को ट्रेलर मिड लगता है। बट मैं ये चीज जरूर रखूंगा कि हाँ, ट्रेलर ये फील कराता है कि काफी रश में गया सब चीज। बट वहीं दूसरी साइड इनके स्किल्स की दाद देनी पड़ेगी कि विदाउट रिवीलिंग मच द ट्रेलर वॉज स्मार्ट कट, जो सिर्फ पुष्पा का ऑरा, उसका धंधा और उसके बदले का जुनून दिखाता है। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, ये ट्रेलर देख के मुझे रंगस्थलम की वाइब आ गई कि अब भाई सुकुमार अपना असली रूप दिखाएंगे। जहां आप लोग मेरे से लिख के ले लेना कि ऑडियंस इस मासी फिल्म को ना कि सिर्फ एंजॉय करेगी बट सारे फिल्म मेकर्स एक लेसन समझेंगे कि दिस इज हाउ यू शुड मेक अ मास फिल्म। ट्रेलर में दिखाई गई फिल्म का एक एक फ्रेम फिल्म का वो रूप दिखाता है कि भाई साहब इस बार पुष्पा इंटू 10 होने वाला है। फिर चाहे एंट्री सीन हो, इंटरवल ब्लॉक हो, जतारा फेस्टिवल वाला सीन हो या फिर क्लाइमेक्स हो, इस बार कोई भी डिपार्टमेंट पे ये फिल्म झुकेगी नहीं। यार आप सोचो ना, फाफा को पार्ट 1 में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था लेकिन अब ये ट्रेलर देख के पता चलता है कि भाई साहब अब ये बंदा शो स्टीलर रहेगा। यार तुम देख लेना ना, इस बार फिल्म का इमोशन एंड बदला वैसा ही तैयार होगा जैसा रंगस्थलम मूवी में हुआ था। एंड ये दिखाने में सुकुमार तो सच में वाइल्ड फायर है। एनीवेज, अब पुष्पा 2 के ट्रेलर से ये भी समझ लो कि अब फिल्म में वो साइड भी दिखाया जाएगा जहां पुष्पा अपने बिजनेस को लेके इंटरनेशनल जाएगा लेकिन वही उसके बीच उनकी माँ को मार दिया जाएगा, जिसका बदला लेने के लिए पुष्पा झुकेंगे नहीं, सबको सीधा घोड़ी बनाएंगे इसकी माँ का। पहले मुझे लगा कि पुष्पा ट्रेलर में इतनी तबाही क्यों मचा रहा है, क्या उसने श्रीवल्ली एंड मंगलम श्रीनू को खेत में देख लिया था? अबे चुप। बट ट्रस्ट मी, 5 दिसंबर को पता चल जाएगा कि पैन इंडिया स्टारों का बॉस आया। 15 तारीख को सारे फिल्म मेकरों को औकात दिखाएंगे और 20 तारीख को बॉक्स ऑफिस खत्म। मैं ये भी बोल रहा हूँ ना कि जिन लोगों को ट्रेलर अच्छा ना भी लगा रहे लेकिन वो जब फिल्म देख के आएंगे ना तो वापस ट्रेलर देखेंगे एंड बोलेंगे कि भाई साहब सुकुमार को मैं दांत देता हूँ और खुद के मुंह पे पात देता हूँ, क्योंकि थैंक गॉड उन्होंने एक भी एक्सपीरियंस खराब नहीं किया ट्रेलर में दिखा के। अच्छा, जब मैं पुष्पा 2 का ट्रेलर ब्रेक डाउन कर रहा था तो मैंने ये देखा कि भाई साहब फिल्म में पवन कल्याण का भी कैमियो है। अबे चुप। बट साला मैं ये सोच रहा हूँ कि फिल्म पॉपुलर होने के बाद उसके हर सीक्वल में हीरो तो भाई हेलीकॉप्टर से ही एंट्री लेता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर पार्ट 3 में क्या मून से लैंडिंग करेंगे। जो भी हो, बट आई कैन गारंटी यू कि इस बार पुष्पा 2 कोई भी अंदाज में टिपिकल नहीं आएगा। जो भाई सोचने वाली बात है कि फिल्म की ऑलरेडी इतनी हाइप होने के बावजूद इस फिल्म के मेकर्स ने पटना में इतना ग्रैंड इवेंट किया, ट्रेलर लॉन्च किया जहां पर 2-2.5 लाख लोग से ज्यादा आए थे, तो भाई हैट्स ऑफ, उनकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑलरेडी जीत गई है। इनफैक्ट सबको सीख दे रही है कि भाई फिल्म हिट होने के बाद गवर्नमेंट आ रहे अपना काम करते रहे, साला सीक्वल रहे या कुछ भी रहे। एंड आई थिंक मैंने ये नोटिस किया कि ये स्ट्रेटेजी इन लोगों ने हमारे शक्तिमान मुकेश खन्ना से सीखी, जिनकी सीरियल 1997 में आई थी शक्तिमान एंड वो बंदा आज तक प्रमोट कर रहा है। आगे दूसरी तरफ मैं ये अपडेट देना चाहूंगा कि कन्नड़ा फिल्म शिव राजकुमार की भैराती रणगल जो रिलीज हुई है लेकिन उसका मुंबई में एक भी शोज नहीं है, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ में कहीं पे भी नहीं लगी ये फिल्म, तो मैं चाह के भी इसको नहीं देख पाऊंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस एक माफी मांग सकता हूं। बाकी जब भी ये फिल्म आए तो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। सो ओवरऑल आप लोगों की क्या थॉट्स है पुष्पा 2 के स्टोरी पे? लेकिन भाई लोग सब्सक्राइब कर दो यार, अपन 1 मिलियन पहुंचने वाले, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आपका छोटा भाई बोल रहा हूं यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।